हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ब्लैकबक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काला हिरण। ये जो वाइल्ड एनिमल है ये काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन इस वीडियो में जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो मेनली एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हम जानेंगे बेसिक फैक्ट्स अबाउट ब्लैकबक, हम ये भी जानेंगे कि किन किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में जो है ब्लैकबक मिलता है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लैकबक है वो इंडियन कल्चर से कैसे लिंक्ड है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे, आई एम सीनियर यूपीएससी फैकल्टी एट StudyIQ। सो पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लैकबक। पहला स्टेटमेंट है इट्स पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डॉग्स इन प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखिए, कुछ ऐसा फैक्टर दिया गया है जो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया जिसने इस फैक्टर के बारे में मेंशन किया। सो हम इस विषय पर अभी चर्चा करेंगे। सो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा है कि इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड तमिलनाडु। सो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन स्टेट्स में जो ब्लैकबक है वो मिलता है, किन किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में ब्लैकबक मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैकबक। तो ये पहला स्टेटमेंट है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। देखिए, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि अगेन एक इंटरनेशनल NGO है। ध्यान रखिए, इंटरनेशनल NGO है और ये जो है कई सारी जो स्पीशीज हैं उनको कैटेगराइज करती है, जैसे थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, या क्रिटिक लीस्ट कंसर्न है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एंडेंजर्ड है। ये सब सारी कैटेगरीज में ये कई सारी स्पीशीज को डालती है। अब ये जो ब्लैकबक है, क्या उसने उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला है? तो अगेन, इसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं डाला, IUCN ने इसको डाला है लीस्ट कंसर्न में, 2017 में लीस्ट कंसर्न में डाला है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है ब्लैकबक, सो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। अगेन, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इस SSC एग्जाम्स के लिए, नाबार्ड एग्जाम के लिए SSC JEE कोर्सेज, डिफेंस एग्जाम्स, लॉ एग्जाम, रेलवे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, UPSC से एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट PSC कोर्सेज, RBI एग्जाम्स, UPSC ऑप्शनल, टीचिंग, UGC नेट कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। हमारी सेल चल रही है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सेल हमारी 18th अप्रैल तक है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट studyiq.com को विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, ब्लैकबक जो है उसको बोलते हैं इंडियन एंटीलोप, और ये कहां कहां मिलता है? इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ब्लैकबक मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी जो है ब्लैकबक मिलता है। दूसरा ये है कि हाँ, ये मेनली फाउंड कहां होता है? इंडिया में। और ये एक्सटिंक्ट हो गया कहां पे? बांग्लादेश में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। देखिए, जो 20th सेंचुरी है वहां पे जो ब्लैकबक नंबर डिक्लाइन हो गया था, मतलब जो काला हिरण है उसके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो गए थे, मेनली किस वजह से? हंटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन। जो उसके हैबिटेट है जहां पे ब्लैकबक रहता है उसके डिग्रेडेशन की वजह से भी जो ब्लैकबक है उसका नंबर रिड्यूस हुआ। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, इसने ब्लैकबक को अंडर शेड्यूल 1 में मेंशन किया। अब जब शेड्यूल 1 में कोई एनिमल मेंशन हो जाता है तो आप उसको हंटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने हंटिंग किया तो उसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा हाई है और जेल टर्म भी है। तो देखिए, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि जो ब्लैकबक है वो किस शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 1 में। सिमिलरली आपके पास और भी शेड्यूल हैं, लगभग 6 शेड्यूल हैं। सो प्रीलिम्स के लिए आपको देखना चाहिए कि जो शेड्यूल्स हैं वो किन किन किस किस के बारे में है। जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 है जो हैवी पेनल्टी की बात करता है, जैसे शेड्यूल 6 है जो कि मेंशन करता है ऐसे क्रॉप्स के बारे में जिनको आप ग्रो नहीं कर सकते हो, जो प्रोहिबिटेड है ग्रोइंग से। सिमिलरली शेड्यूल 5 है, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई एनिमल मेंशन है तो अगर उसको किसी ने हंट किया तो उसमें ज़्यादा पेनल्टी नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके बारे में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। सो अगर हम नेक्स्ट देखें नेपाल, वहाँ पे अगेन बर्दिया नेशनल पार्क है, वो आपको ध्यान में रखना है कि एक बर्दिया नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है, वो देख ध्यान रखना है। पाकिस्तान में भी देखें तो एक लाल सुवर्णा नेशनल पार्क है जहाँ पे ब्लैकबक की का प्रोटेक्शन हो रहा है। सो ये दोनों ही नेशनल पार्क भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर देखें कि किन किन एरियाज में, किन किन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पे ब्लैकबक मिलता है, तो पहला है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और दूसरा है वेला वडार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है,
दूसरा है नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि अगेन ये एक लोकेटेड है ट्राई पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस सेंचुरी के बारे में कि ट्राई पॉइंट में लोकेटेड है राजस्थान एमपी और यूपी के। नेक्स्ट है गिंडी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, इसी के पास ही आपके पास आईआईटी मद्रास है। देखिए ये जो आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है वो उसमें भी कई सारा जो एरिया है गिंडी नेशनल पार्क का वो पास ही में है, और ऐसे ही होता है कि जो ब्लैकबक है वो आईआईटी के कैंपस जो आईआईटी मद्रास का कैंपस है वहाँ भी मिलता है। और जो आईआईटी के स्कॉलर्स हैं उन्होंने देखा कि जो ब्लैकबक है उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, और जब उन्होंने रिसर्च कैरी आउट की तो उनको पता चला कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ब्लैकबक की जो पॉपुलेशन है उस एरिया में वो रिड्यूस हो रही है। और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, वो हंट कर रहे थे किनको, ब्लैकबक्स को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। और इसके बाद ही कई सारे न्यूज़पेपर ने इस चीज को पब्लिश भी किया, हाईलाइट भी किया कि क्यों ब्लैकबक की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट एक जो है वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार में है, और यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इसका नाम है करकट वाटरफॉल। सिमिलरली जो रानी बेन्यूर ब्लैकबक सेंचुरी है वो कर्नाटका में है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेनली डिक्लेयर किस लिए की गई थी, ब्लैकबक के ही प्रोटेक्शन के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैकबक ओनली, सो उसमें आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, फिर है ताल छपार सेंचुरी जो कि राजस्थान में। अब देखिए ये जो सेंचुरी है वो थार डेजर्ट के पास में, और यहाँ पे सलाइन डिप्रेशन भी है। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी सेंचुरी है जहाँ पे ब्लैकबक मिलता है और वो नियर टू थार डेजर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है वो, ताल छपर। फिर है आपके पास पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाला नाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। अब देखते हैं जो ब्लैकबक है वो कैसे इंडियन कल्चर से लिंक्ड है। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज होता था, मतलब जो लोग थे उस टाइम पे वो हंट करते थे ब्लैकबक को और एज अ फूड उसको यूज करते थे। और ये प्रूफ करने के लिए जो बोन रिमेन्स मिले कहाँ पे, धोलावीरा और मेहरगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स में कि धोलावीरा मेहरगढ़ में इनमें से कौन से एनिमल का आपका रिमेन्स मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीलोप क्या रिमेन्स मिले। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि जो मुगल है, मुगल्स टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी उसमें भी एज अ थीम ये यूज हो रहा था। और जो ट्राइब्स हैं बिश्नोई ट्राइब्स हैं वो ब्लैकबक के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम भी कर रही है, और जो ब्लैकबक है उसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया आंध्र प्रदेश का। अब एक टेक्स्ट है संस्कृत टेक्स्ट है, उसका नाम है कृष्ण मृग, उसमें भी ब्लैकबक के बारे में मेंशन है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस टेक्स्ट का नाम। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो ब्लैकबक है वो ड्रॉ करते हैं चैरियट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सिमिलरली ऐसा भी माना जाता है कि ब्लैकबक जो है वो व्हीकल है वायु के, सोमा के और चंद्र के। और तमिलनाडु में कहा जाता है कि जो हिंदू गॉडेसेस हैं उनका नाम है कोरावाई, उनका वो व्हीकल है। सिमिलरली राजस्थान में करणी माता है, उनकी वो भी एक गॉडेसेस है, वो ऐसा माना जाता है कि ये जो करणी माता है वो प्रोटेक्ट करती हैं ब्लैकबक के। तो अगर आप ब्लैकबक का लिंकेज देखें इंडियन कल्चर से तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग हैं उनका क्यों फेथ है इस एनिमल पे और क्यों वो इमोशनली लिंक्ड है इस एनिमल से। देखें कि अगर कुछ सेंचुरी पहले की बात करें तो जो ब्लैकबक है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो 80,000 के आसपास थी, और ये मेनली इसलिए था क्योंकि हंटिंग की जाती थी किनके द्वारा, जो कि रॉयल्टी थी और जो कि आगे जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश राज के उनके द्वारा जो हंटिंग की जाती थी उसकी वजह से जो पॉपुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट फैक्टर है कि 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया उसने उस एनिमल को शेड्यूल वन में डाला, और तब तक जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम हो गई थी, मतलब 30,000 के आसपास हो गई थी। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पहले तो इसको वल्नरेबल डिक्लेयर किया 1990s में, और फिर नियरली थ्रेटन डिक्लेयर किया, और इस समय लीस्ट कंसर्न डिक्लेयर कर रखा है। कब डिक्लेयर किया, 2017 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए कि ब्लैकबक क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है या लीस्ट कंसर्न है। अब देखिए अगर बिश्नोई कम्युनिटी की बात करें तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो वर्क करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम और सारे जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बींग्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काम करती है। दूसरा इसका एक बिश्नोई टाइगर फोर्स है जो कि कई सारे उसने केस रजिस्टर किए हैं वेस्टर्न राजस्थान में अगेंस्ट द पोचिंग। अब देखिए जो बिश्नोई कम्युनिटी है
है वो तो सारे जो इकोसिस्टम है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम कर ही रही है। जो दूसरे जैसे इकोसिस्टम का जो पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे ब्लैकबग है, चिंकारा है, वल्चर्स है, पीकॉक है, जो जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये जो एनिमल्स हैं जो कि आसपास रहते हैं, बिश्नोई विलेज के आसपास जो रहते हैं, तो ये बिश्नोई समाज है वो कोशिश करता है कि वो तो सर्वाइव करें ही, साथ में जो एनिमल्स है उनको भी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिले, जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखिए अगर आज के टाइम पे हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर एक कम्युनिटी इस चीज के लिए काम कर रही है तो ये अप्रिशिएबल है, और हमें एज अ सिटीजन भी इस चीज के लिए इस चीज को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम भी कोशिश करें कि जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम भी काम करें और उसके बारे में हमारे अंदर कंसर्न करें, क्योंकि जो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ है ये एक मैटर ऑफ फेथ है बिश्नोइस के लिए। सिमिलरली उड़ीसा के कई सारे फार्मर्स हैं, उनका भी ऐसा बिलीफ है कि अगर वो ब्लैकबक को मतलब प्रोटेक्ट करेंगे तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी, कई सारे फेथ हैं उनके भी, और इसी वजह से वो जो ब्लैकबक है उसका वो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो स्पीसीज है इसकी पॉपुलेशन जो है रिकवर हुई है। पहला फैक्टर ये है कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने में इसको शेड्यूल वन में डाल दिया गया। दूसरा ये है कि जो उसके प्रीडेटर्स थे हैं जैसे चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, वुल्फ है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है, वो भी स्कार्स हो गए। और दूसरा ये है कि इसके जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं वो एज अ हैबिटेट है, मतलब जो आसपास के एग्रीकल्चर एरियाज हैं वो एज ए हैबिटेट एक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट जो पहले लॉस हो गया था वो भी अब कंपनसेट हो गया है। सो ये जो पॉपुलेशन है ब्लैकबक और दूसरी जो नील गाय हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज होने की वजह से कई दिक्कतें फार्मर्स को भी फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे कि कई बार होता क्या है कि जो नील गाय है, ब्लैकबक है, वो जो फार्म एरिया है, जो क्रॉप एरिया है वहाँ पे जाते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। कई स्टडीज़ भी कंडक्ट हुई, जैसे 1989 में ये स्टडी गुजरात में हुई जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। सिमिलरली जो 1990 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भी कोशिश किया कि कुछ ऐसे मिटिगेशन मेजर्स लाए जाए जिससे कि जो नील गाय और जो ब्लैकबक है जो क्रॉप के में डैमेज कर रहे हैं हरियाणा में वो कम किया जा सके। तो क्योंकि अगर क्रॉप डैमेज होगी तो उसको फार्मर को भी काफ़ी लॉस होगा, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो फिर जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। तो फार्मर्स के लिए भी यहाँ डिलेमा है कि कहाँ पे और क्या फोकस किया जाए, क्रॉप को फोकस किया जाए या फिर कुछ स्टेप लिया जाए जिससे कि जो ये एनिमल्स है जो क्रॉप जो है क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं उनको हार्म किया जाए, तो कुछ ऐसे कंसर्न भी होते हैं फार्मर्स के लिए भी। अब देखिए जो नील गाय है उस पर अगर कोई अटैक कर रहा है, उसको कोई हंट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन ब्लैकबक है उसको शेड्यूल वन में मेंशन किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो अगर ये क्रॉप को डैमेज भी कर रही है और किसी फार्मर ने इसको किल कर दिया तो उसके खिलाफ काफ़ी बड़ा एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अगर वो क्रॉप को डैमेज कर रही है तो उसको डैमेज करने देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका काफ़ी बड़ा रोल आ जाएगा कि वो जो फार्म एरियाज हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे, उसकी फेंसिंग करे या कुछ ऐसा करे जिससे कि एक ट्रांजिशन जोन हो या बफर जोन हो जहाँ पे ब्लैकबक रहे और फार्म एरिया और एग्रीकल्चर एरिया उनके बीच का एक बफर एरिया रहे। सो, अगर आज की बात करें तो पोचिंग जो है और हंटिंग है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो ब्लैकबक डेथ्स के लिए। एक तो जैसे एक वेस्टर्न राजस्थान में जो स्टडी हुई उसके हिसाब से जो रोड एक्सीडेंट है वो 3% किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो पोचिंग है वो मात्र 1% है। और जो मेजर है अगर फैक्टर देखें वो अननेचुरल जो डेथ है उसका जो मेजर फैक्टर है आज के समय जो आ रही है वो है प्रीडेशन। कुछ स्टडी है वो ऐसा कह रही है कि जो डॉग्स हैं, ये जो डॉग्स हैं, जो फेरल डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ये ब्लैकबक है इनकी पॉपुलेशन जो है वो जो उनकी अननेचुरल आप डेथ मानो वो हो रही है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है इन डॉग्स का वो लगभग 93% है। मतलब जो आज के समय पे अननेचुरल डेथ हो रही है ब्लैकबक की उसमें जो बड़ा फैक्टर वो कौन है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ दीज डॉग। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले जो उनके प्रीडेटर थे जैसे चीता है वो तो एक्सटिंक्ट हो गया और वुल्फ है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, बट उसको कंपनसेट कौन कर रहा है, ये डॉग्स, उसकी वजह से जो अननेचुरल डेथ हो रही है ब्लैकबक की वो अभी एक तरीके से हो रही है। सो, अब हमें डिसाइड करना है क्या हम खाली चीज़ें देखते रहेंगे,
एज अ विलेजर, एज अ सिटीजन या एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ बिजनेसमैन हमें क्या रोल प्ले करना है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं बहुत कम एनिमल्स हमारे पास जो है जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुई है और जिनके प्रोटेक्शन के लिए हमें भी काफ़ी रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही एनिमल्स एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे तो खाली जो ह्यूमन एलोन खाली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और इकोसिस्टम अगर मेंटेन रहेगा तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा जहाँ पे ह्यूमन भी सर्वाइव कर सकता है इन एनिमल के साथ. सो आई होप जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.